हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम ये देखने वाले हैं कि ये वीक आपके लिए क्या लेके आया है, और उससे पहले हम इस वीक के एंड तक हम नए साल में पहुंच जाएंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर, और ये आने वाला ईयर आप सभी के लिए हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को लाए, ऐसा आप सबके लिए हो। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यहाँ इस वीक के लिए हम देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्या स्पेशल होने वाला है, या ये वीक आपके लिए क्या लेके आया है। तो यहाँ आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप इनमें से एक चुन लीजिए। के बाद मैं कार्ड शफल करके देखूंगी। तो जिन्होंने फर्स्ट ये चूज किया है उनके लिए कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में क्या कुछ होने वाला है। जिन्होंने ये चूज किया था उन लोगों के लिए रीडिंग है। इस वीक में आप यहाँ वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ आप देख रहे हैं इस वीक में आप काफी काम करने वाले हैं, और अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए ऐसा कोई वर्क या जो भी आप करते हैं, स्टडीज, बिजनेस या नौकरी, उसमें आपका 100% डेडिकेशन रहेगा। और ये इन फ्यूचर फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और जो भी डिसाइड कर रहे हैं कि ये आप करें, तो उसे आप अगर कंटिन्यू रखते हैं जो आप कर रहे हैं, तो ये आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियल अच्छे गेन्स देने वाला वर्क होगा। और वहीं सेवन ऑफ वंस की एनर्जी जो है वो इस तरह की एनर्जी है कि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि आप अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने वाले हैं। और ये ऑब्स्टिकल्स आपकी किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसे इश्यूज हों, या ऐसे ही कोई स्ट्रगलिंग इशू हो जो आपके वर्क एरिया से रिलेटेड हो, या बिजनेस से रिलेटेड हो, या किसी भी तरह का कोई इशू अगर आपके लाइफ में चल रहा है, तो उसको लेकर आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और अपने एफर्ट्स और विल पावर से उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी कोशिश करने वाले हैं। और ये कोशिश आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है इन फ्यूचर, और इस वीक में आप वो इसी तरह के ट्राई करने वाले हैं, उन चीज़ों को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे जो आपके लिए प्रॉब्लमफुल थी, उन मैटर्स को आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक्शन लेने वाले हैं। वहीं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी गिविंग नेचर के रहेंगे, और इस वीक में हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, और या फ्रेंड्स के लिए कुछ करें, या अपने रिलेटिव्स के लिए, या कलीग्स के लिए भी कर सकते हैं, और मे बी आप उनके साथ काफ़ी शेयरिंग रखेंगे गिफ्ट्स की, या फाइनेंशियल उन्हें कुछ प्रोवाइड करवाएं। और यही चीज़ ये गिविंग और रिसीविंग को दिखाता है, आप जो दे रहे हैं इन फ्यूचर आपको वो गेन करेगा। आप जैसे हेल्प कर रहे हैं फैमिली में या फ्रेंड्स के को या कलीग्स को, तो ये चीज़ जो आप अच्छे कर्मा क्रिएट करेंगे इस वीक में, उसका आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियल गेन भी होगा, और ऐसे भी आप काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स लेंगे। और आप काफ़ी हेल्प करने वाले हैं लोगों की इस वीक में, और वो हेल्प आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में या कलीग्स के बीच में हो सकती है। वहीं किंग ऑफ कप्स एनर्जी जो है वो लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाती है, तो मे बी आप अपना कुछ अच्छा टाइम बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, और काफ़ी इमोशंस को भी शो करता है ये, क्रिएटिविटी को शो करता है ये कार्ड, तो काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज आएंगे आपको, और इमोशनली आप काफ़ी अटैच्ड फील करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स से और फ्रेंड्स से, और इवन अपने पार्टनर से भी। और ये आपको कह सकते हैं कि इमोशनली स्टेबिलिटी के साथ साथ आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस भी रहेंगे और अच्छा टाइम बिताने वाले हैं आप, किंग ऑफ कप्स एनर्जी। और कुछ अच्छा
आप हो सकता है कुछ अच्छा करें उनके लिए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए, यही चीज़ यहाँ भी आई है। और ये तो क्या किंग ऑफ कप्स एनर्जी है, तो इसमें आप अच्छा टाइम बिताने वाले हैं और कुछ कह सकते हैं कि अपने लिए कुछ अच्छा लें या कुछ फ्रेंड्स वगैरह के लिए लें और अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं। और लग्जरी लाइफस्टाइल रहेगी आपकी, अपने ऊपर भी स्पेंड करेंगे मनी भी, आप काफ़ी कुछ फाइनेंसेस भी, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स एंजॉय करने वाले हैं। ये लग्जरी लाइफस्टाइल और अच्छे कह सकते हैं कि गुड फूड और गुड टाइम आप इंजॉय करने वाले हैं इस वीक में। वहीं लास्ट के आते आते आप 8 ऑफ कप्स एनर्जी में भी रहेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में सोच विचार चल रहा है और ये काफ़ी जो आपके पास है आप शायद उसे नहीं देख रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ कप्स जो हैं पीछे हैं और वो 1 by 1 हैं, फुलफिल हैं आप, आपके पास सब कुछ है पर आप फिर भी किसी डिज़ायर के लिए सोच रहे हैं। वो कोई भी डिज़ायर हो सकती है, मे बी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड इशू हो या कोई इमोशनल इशू है और रिलेशनशिप को लेकर या किसी ना किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ कब पूरी होगी, तो वो डिवाइन टाइमिंग पे पूरी हो जाएगी। और आप उसी चीज़ को लेकर काफ़ी सोच विचार में भी रहेंगे वीक के एंड तक। बाकी यहाँ सब कुछ अच्छा ही आया है और ये वीक काफ़ी कुछ अच्छा ही रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो यही रीडिंग थी जिन्होंने ये चूज़ किया था। हैप्पी न्यू ईयर। और नेक्स्ट हम देखते हैं ये जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग आती है और ये वीक उनके लिए कैसे रहने वाला है। टेन ऑफ कप्स हो, यहाँ आप देख रहे हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, 3 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया था, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होगी। तो हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वीक के स्टार्टिंग में आप दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन में हैं। मे बी ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप या जॉब वगैरह को लेकर या किसी ना किसी तरह का ही आपका मेंटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो जहाँ दो चॉइसेस में से आपको एक की तरफ जाना है। ये मे बी आप किसी मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे हैं या जॉब के लिए देख रहे हैं या कोई भी क्रॉस रोड सिचुएशन में आप हैं कि आप किस तरफ जाएं और किस तरफ जाना ठीक होगा, तो आप उसके लिए काफ़ी सोच विचार में हैं आप यहाँ देख रहे हैं। तो शुरू में तो ये होगा वीक के, और फिर उसके बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप ठीक डिसीजन ले लेंगे काफ़ी सोचने विचारने के बाद। आप जो आगे बढ़ेंगे वो काफ़ी सही डिसीजन होगा आपका और मे बी उसमें मोमेंट भी इन्वॉल्व हो पर सपोर्ट भी मिलेगा आपको, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हो सकता है, फैमिली का या रिलेटिव का या कोई कलीग्स आपको सपोर्ट करें इस डिसीजन को लेने में, और मे बी आप इसको शेयर भी करेंगे लोगों के साथ तो उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा और सही डिसीजन ले लेंगे आप काफ़ी सोचने विचारने के बाद। और इस डिसीजन को लेने में आपकी ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, मे बी आप कहीं और मूव करके जाने का भी सोच रहे हैं। कुछ लोग इस वीक में ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और ये ट्रैवलिंग जो है ये वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा लग रही है और ये किसी भी पर्पज से हो सकती है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं इस वीक में। और वहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी जो है वो कह सकते हैं कुछ लोगों को लीडरशिप ऑफर हो सकती है या फैमिली में कोई बड़ा काम उनको दिया जा सकता है जिसे वो सक्सेसफुली पूरा कर भी लेंगे। ये आपका वर्क एरिया है जहाँ है वहाँ आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है या कोई काम दिया जाएगा जिसे आप अच्छे तरीके से पूरा भी कर लेंगे और आप अचीवर की तरह आपको फील होगा। वहीं 10 ऑफ कप्स तो जैसा आप जानते ही हैं
हैप्पी फैमिली कार्ड माना जाता है और इस फुलफिलिंग कार्ड भी माना जाता है इसे। तो आप इस वीक में काफ़ी बैलेंस रहने वाले हैं। जो मेंटल कॉम्प्लेक्स आपको शुरू में था इस वीक के पहले से, उससे आप बाहर निकलेंगे और सही डिसीजंस और सही तरफ आगे बढ़ने से आपको काफ़ी खुशी फील होगी। 10 of Cups एनर्जी फुलफिलिंग एनर्जी है। इमोशनली स्टेबल रहेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, फैमिली और फ्रेंड सभी से सहयोग मिलेगा, या कह सकते हैं उनसे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको, और काफ़ी अच्छा फील करेंगे, लाइट हार्टेड फील करेंगे और काफ़ी चीज़ें सॉल्व आउट करने वाले हैं आप, और अच्छा टाइम बिताने वाले हैं फैमिली फ्रेंड्स और अपने पार्टनर के साथ, और काफ़ी अच्छा टाइम आप बिताने वाले हैं क्योंकि 10 of Cups एनर्जी फुलफिलिंग की भी है। मे बी आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं और उसे फुलफिल आप इस वीक तक कर लेंगे। किंग ऑफ वांड्स एनर्जी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाती है और इन फ्यूचर आप कुछ फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा डिसाइड करने वाले हैं और उसको लेकर आप प्लान्स भी बना रहे हैं जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होने के चांसेस भी हैं। इसी चीज़ को दिखा रहे हैं किंग ऑफ कप्स एनर्जी की, क्वीन ऑफ वॉन्स एनर्जी और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, यहाँ दो एनर्जीज आई हैं क्वींस। तो आप काफ़ी सोचने विचारने के बाद काफ़ी सही डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी लाइफ को लेकर और वर्क को लेकर या अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं और वो सही डिसीजन की तरफ आप जाएंगे और ये चीज़ आपको मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करवाएगा कि आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है और उसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक दूर होने वाला है और काफ़ी वीक के एंड तक आप काफ़ी सही कह सकते हैं कि सही मेंटल स्टेट पे होंगे। जो आपको कॉम्प्लेक्स था उससे दूर हो जाएंगे, फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट सभी कुछ मिलेगा इस वीक में आपको। और 10 की एनर्जी फुलफिलिंग एनर्जी है तो ये वीक बहुत ही अच्छा और खुशियों भरा रह सकता है आप लोगों के लिए जिन्होंने ये चूज़ किया था, उन लोगों के लिए यही रीडिंग थी। तो अभी के लिए यही है, हैप्पी न्यू ईयर। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।